नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया और कार्पेट एरिया के बारे में। क्या डिफरेंस होता है इन तीनों ही टर्म्स में। बेसिकली रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टर्म है और काफ़ी यूजफुल टर्म है, आपको इसका आइडिया होना ही चाहिए। तो आज की वीडियो हम लोग इन्हीं तीनों टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन तीनों ही चीज़ों के बारे में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया और कार्पेट एरिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्पेट एरिया के बारे में। तो ये एक पूरा फ्लैट है जिसमें आप देख रहे हैं कार्पेट एरिया लिखा हुआ है, बालकनी एरिया लिखा हुआ है, कॉमन एरिया है, एक्सटर्नल वॉल एरिया है और टोटल एरिया है। तो इस फ्लैट का जो टोटल एरिया है 985 स्क्वायर फीट है, बट इसका जो कार्पेट एरिया है वो है 520 स्क्वायर फीट। तो समझते हैं कार्पेट एरिया क्या होता है। तो ये पूरा फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान में आप देख रहे होंगे आपको बेडरूम दिख रहा है, ड्रॉइंग डाइनिंग है, किचन है, बालकनी है, टॉयलेट है। तो कार्पेट एरिया के अंदर क्या इंक्लूड होता है उसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो बेडरूम जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, जैसे 10x12 का एरिया है, 12.2, ये 5x7.5 का एरिया है। तो ये जितना भी एरिया लिखा हुआ है ये कार्पेट एरिया है, मगर इसके अंदर ये वॉल एरिया जो आप देख रहे हैं, वॉल ये इंक्लूडेड नहीं है, ये बालकनी ये इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, बालकनी और हम लोग अगर वॉल को हटा दें जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाता है कार्पेट एरिया। अब सेकेंडली समझते हैं बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है। बिल्टअप एरिया में आपका बालकनी भी इंक्लूडेड होती है और ये वॉल भी इंक्लूडेड होता है, तो वो होता है बिल्टअप एरिया। तो चलिए अब बात करते हैं सुपर एरिया की। तो अगर हम लोग इस फ्लैट का सुपर एरिया देखें तो है 985 स्क्वायर फीट, जिसको टोटल एरिया भी बोलते हैं। अब इस 985 स्क्वायर फीट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो इस 985 स्क्वायर फीट में आपका कार्पेट एरिया है, बालकनी एरिया है, एक्सटर्नल वॉल और आरसीसी कॉलम एरिया है। तो हम लोगों ने ये तीनों ही टर्म समझ लिए, एक्सटर्नल वॉल, बालकनी और कार्पेट। तो अगर हम लोग कार्पेट, बालकनी और वॉल एरिया को इंक्लूड करते हैं तो होता है बिल्टअप एरिया। और इसके अंदर अगर हम लोग एक और चीज ऐड कर दें, कॉमन एरिया, तो वो हो जाता है सुपर एरिया। अब समझते हैं कॉमन एरिया होता क्या है। तो ये इस फ्लोर का टोटल क्लस्टर प्लान है, इस पे आप देखेंगे टोटल 8 फ्लैट्स हैं। तो सभी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन एरिया डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मैं इस फ्लोर की बात करूँ तो 8 फ्लैट हैं। इस फ्लैट के लिए जो कॉमन एरिया है 218 स्क्वायर फीट। अगर 8 फ्लैट है तो इसको 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 1744 स्क्वायर फीट कॉमन एरिया है, जो कि 8 ही फ्लैट्स के साथ डिवाइड हो गया है। तो सबके साथ 218 स्क्वायर फीट है। तो ये बेसिकली कॉमन एरिया होता है जो कि हर फ्लैट के साथ डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम लोग इसमें कॉमन एरिया इंक्लूड कर दें बिल्टअप एरिया में, तो वो हो जाता है सुपर एरिया। तो इस 985 स्क्वायर फीट एरिया में ये चारों ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देखेंगे 520, 185, 218 और 62, इसको इंक्लूड करने पर 985 स्क्वायर फीट आता है। तो टोटल ये 985 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है। तो आई होप आपको तीनों ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इन तीनों ही टर्म्स को लेकर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।